Yes, students. This is cash flow. Profit before tax and EOI. That we learned how to calculate before tax and EOI. Again, I am reminding you that whenever you have given the balance sheet in the question, you will be taking the difference of current year profit and previous year profit. That profit you will be calling profit earned during the year. उसमें चार चीजें maximum add करनी है. One is transfer to reserves. Another is in parent dividend paid. Then we have proposed dividend of previous year, and then we have provision for taxation of current year. वो चारों पर adjust करने के बाद ये सारा कुछ आपने working notes में किया, जो आपके yes EOI को भी adjust करना है. और बहुत rare circumstances है कि EOI को question में दे. If he is giving EOI, then non-recurring nature expenses are to be added and non-recurring incomes जो कभी कभार होती है like claim received. Due to the loss of fire, right? So वो आपको deduct करना है loss due to fire of building हो या shop हो वो आपको add करना है. So we were having the few examples of EOI. ये करने के बाद अगला step हमारा क्या था? Add non cash and non operating expenses. कल एक बड़ी सी list मैंने आपको बताई थी. I'm just repeating it. Depreciation charge during the year, Google return off, patents and copyrights return off. ये examples हैं non cash. Then we are having non-operating expenses जो कभी कभार होते हैं, like interest paid on debentures. That is to be added. Then we have loss on sale of asset. Provision for doubtful debt का बढ़ना is also to be added. वो add करने के बाद next इसका बिल्कुल reverse है, which we call less non-operating incomes. ऐसी income जो मेरे regular business की नहीं है, like profit on sale of profit on sale of fixed asset. Profit on sale of fixed asset is to be deducted because it is your non-operating income, right? So being a non-operating income, that is to be deducted. Or non-operating income हमारी क्या होती है? Dividend received, interest received, even rent received. Then decrease in provision for doubtful debt is to be deducted. यहाँ तक हमने कल कर लिया था. ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स की रिवर्स ट्रीटमेंट करने के बाद जो आपके पास प्रॉफिट आता है उसे हम बोलेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट. इट मींस कि दैट इज अ प्रॉफिट व्हिच आई अर्न फ्रॉम माय बेसिक ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस एंड आई विल बी राइटिंग इट बिफोर. डब्ल्यू का मतलब वर्किंग कैपिटल चेंजेस. ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस. नाउ वी विल बी कंसिडरिंग हियर करंट एसेट्स का बढ़ना और कम होना और करंट लाइबिलिटीज का बढ़ना और कम होना. ठीक है, मैं एक एग्जांपल से पहले आपको बताती हूँ कैसे होगा. फॉर एग्जांपल दिस इज ऑफ प्रीवियस ईयर डाटा, बैलेंस शीट में दे रखा है, ये करंट ईयर का डाटा है. एंड ही इज राइटिंग स्टॉक 20,000 का प्रीवियस ईयर में था, 40,000 का करंट ईयर में है. देन ही इज राइटिंग डेटर्स, स्टार्टिंग में 37,000 के थे और करंट ईयर में 22,000 के हो. बेटे कैसे एनालिसिस करना है देखना जरा, क्योंकि मैंने ढूंढना है इनफ्लो है कि आउटफ्लो है. स्टॉक का बढ़ना मींस मैंने और खरीदा होगा. जब 20,000 से बढ़ के स्टॉक इस साल 40,000 का हो गया, इट मींस कि आई परचेज न्यू स्टॉक. व्हेन देयर इज इंक्रीज ऑफ इन एनी ऑफ द करंट एसेट, यू विल बी अज्यूमिंग दैट यू स्पेंट अ लॉट, कैश इज गोइंग आउट. उस केस में कैश क्या होगा? मूविंग आउट होगा. करंट एसेट्स का बढ़ना हमेशा आउटफ्लो हुआ करेगा. ये करंट एसेट डेटर्स है. डेटर्स स्टार्टिंग में 37 थे, एंड में 22 हो गए. इट मींस कि 15,000 के डेटर्स ने पेमेंट कर दी होगी. यू रिसीव द पेमेंट फ्रॉम 15,000. तो इन दैट केस करंट एसेट का कम होना क्या हुआ करेगा? इनफ्लो. और करंट एसेट का बढ़ना क्या हुआ करेगा? आउटफ्लो. राइट, ये बातें आपने याद रखनी है. अब इसी तरह से मान लो उसने आपको क्रेडिटर्स दे रखे हैं. बिगिनिंग में क्रेडिटर्स 33,000 के थे, एंड में 50,000 के हो गए. क्रेडिटर्स फॉर एग्जाम्पल बीपी, इस केस में आपके 17,000 से क्रेडिटर्स बढ़े. करंट लाइबिलिटी का बढ़ना हमेशा इनफ्लो है, क्योंकि उन्होंने अगर आपको उधार पे सामान बेचा तो यू यूटिलाइज देयर मनी. जैसे प्लस वन क्लास में सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में ट्रेड क्रेडिट किया करते थे, दैट वाज अ सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर यू. आपने उन्हें पेमेंट नहीं करी, आप उनका पैसा क्या कर रहे हो? यूज कर रहे हो. करंट लाइबिलिटी का बढ़ना इनफ्लो है, करंट एसेट का बढ़ना क्या है? आउटफ्लो है, रिवर्स ट्रीटमेंट है. करंट एसेट का कम होना क्या है? इनफ्लो है. और करंट लायबिलिटी का, मान लो बैंक ओवरड्राफ्ट, तो यहां पे नहीं आता. और क्या ले सकते हैं? शॉर्ट टर्म लोन ले लें, बीपी ले लें, अलग से दे रखा बीपी. फॉर एग्जांपल बिगिनिंग में ये 22,000 था, एंड में ये 8,000 रह गया बीपी.
इट मीन्स की 14,000 डिफरेंस लेना हमेशा, 14,000 के बीपी की आपने पेमेंट कर दी. सो करंट लाइबिलिटी का कम होना इज ऑलवेज आउटफ्लो, करंट लाइबिलिटी का बढ़ना इज ऑलवेज इनफ्लो, करंट एसेट का बढ़ना इज ऑलवेज आउटफ्लो, करंट एसेट्स का कम होना इज ऑलवेज इनफ्लो. मैं कुछ चीजें लिखती हूं जरा देखना. इंक्रीज इन करंट एसेट एस आई एफ दैट इज इनफ्लो, दिस यू हैव टू कीप योर माइंड. डिक्रीज इन करंट, इंक्रीज इन करंट एसेट इज ओ एफ दैट इज आउटफ्लो, आपने और खरीदा. ऑलवेज कीप इन टू योर माइंड स्टॉक, स्टॉक बढ़ता, स्टॉक इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ करंट एसेट. अगर स्टॉक बढ़ रहा है मीन्स मैंने और खरीदा है, जब मैंने और खरीदा है तो आउटफ्लो. मैं याद करने का एक ढंग बताती हूँ. ऑलवेज कंसिडर वाइल थिंकिंग की करंट एसेट का बढ़ना और कम होना मेरे लिए क्या होगा, ऑलवेज टेक इन टू योर माइंड दैट यू आर कंसिडरिंग द केस ऑफ स्टॉक. तो स्टॉक का बढ़ना इज ऑलवेज यू परचेज मोर, वेन यू परचेज मोर इट मीन्स इट इज योर आउटफ्लो. सो करंट एसेट का बढ़ना इज ऑलवेज आउटफ्लो, करंट एसेट का कम होना, फिर से स्टॉक सोचो. स्टॉक अगर कम हो रहा है मीन्स आपने बेच दिया है, जब आपने बेच दिया है तो कैश इज कमिंग इन, यू विल बी कॉलिंग इट इनफ्लो. डन. अब दूसरे का रिवर्स है, इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज इज ऑलवेज इनफ्लो, मीन्स आपने पैसा बोरो किया. जैसे ये 33 से बढ़ के क्रेडिटर्स आपके 50,000 पे हो गए, मीन्स 17,000 आपने और बोरो किया, जब आपने और बोरो किया तो पैसा आपके पास आया. बोरो का मतलब यहाँ पे सामान उधार पे खरीदा, यू आर यूजिंग द मनी ऑफ योर क्रेडिटर्स. Right, then decrease in current liability means outflow, means you repaid back. आपने अपने creditors और BP की क्या कर दी है, payment कर दी है. So like that way you have to think, and this whole data you have to keep in your mind. And when I am considering after this point operating profit before working capital changes, then I am considering now working capital, because current assets and current liabilities both are the content of your working capital. So, अगले स्टेप में हम वर्किंग कैपिटल को कंसिडर करेंगे, राइट? बिकॉज वर्किंग कैपिटल आई नीड फॉर द डेली ऑपरेशंस ऑफ माय बिजनेस, सो दैट्स व्हाई वर्किंग कैपिटल इज आल्सो टू बी कंसिडर्ड अंडर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. नाउ लेट मी कम टू योर स्क्रीन्स फर्स्ट. आई जस्ट वांट टू गेट, आर यू लिसनिंग टू मी और नॉट? मनरीत अनम्यूट करो, एक मिनट में, एक मिनट भी नहीं, एक सेकेंड में अनम्यूट करो, एंड यू विल नॉट लीव द क्लास, माइंड इट. मनरीत अनम्यूट करो. नहीं. राघव ठाकुर आप अनम्यूट करो. राघव अनम्यूट करो. नहीं. पायल आप करो अनम्यूट. पायल अनम्यूट करो. नेक्स्ट आई हैव वंशिका. वंशिका आप अनम्यूट करो. वंशिका अनम्यूट योरसेल्फ. वंशिका अनम्यूट करो. So you all are sleeping? You just log in? Yes, ma'am. Okay, good morning, Manshika. Thank God. Morning, ma'am. The child who unmuted herself. Manshika, मेरे को थोड़ा सा earlier. हाँ, थोड़ा सा बताइए मेरे को, ये मैंने working capital changes का क्या बताया? Current assets का बढ़ना inflow है या outflow है? Current assets का बढ़ना outflow है. आपने कैसे सोचा? मैंने क्या logic बताया? मैंने ऐसे याद किया, मतलब पढ़ के बुक में से, मैंने छुट्टियों से पहले कि करंट एसेट्स बढ़ेंगे तो हमने ऑपरेटिंग में से माइनस करना है, करंट एसेट्स कम होंगे तो हमने ऑपरेटिंग में से ऐड करना है, और करंट लायबिलिटीज बढ़ेंगी. चलो इट्स डन. जो भी आपने किया वो ठीक है, पर मैंने अभी कोई लॉजिक बताया, हम लॉजिक के साथ चलेंगे. यू जस्ट कीप द थिंग्स इन योर माइंड, इट्स स्टॉक, करंट एसेट इज स्टॉक. स्टॉक का बढ़ना मतलब क्या है? आपने और खरीदा है ना, स्टॉक अगर बढ़ गया तो आपने लो है. आर यू एग्री? इफ स्टॉक इज इंक्रीजिंग इट मींस यू परचेस्ड मोर. इतनी समझ आ रही बात? अगर आपने और खरीदा है तो मींस क्या हुआ? आउटफ्लो ऑफ कैश हुआ ना, आपने पैसा खर्च किया ना. सोच के देखो. यस मैम. है ना, तो करंट एसेट का बढ़ना हमारा क्या है? आउटफ्लो है. देन यू आर राइट, करंट एसेट का बढ़ना अगर आउटफ्लो है तभी तो माइनस करना. आउटफ्लोज आर ऑलवेज टू बी डिडक्टेड, क्योंकि पैसा जा रहा है. एंड इनफ्लो ऑफ द कैश इज ऑलवेज टू बी एडेड. मैंने भी अगले स्टेप में यही करवाना है, ठीक? लेकिन पहले आपके माइंड में लॉजिक तो क्लियर हो. करंट एसेट्स का बढ़ना इज आउटफ्लो, वी विल बी पुटिंग दैट आइटम इनटू ब्रैकेट, बिकॉज आउटफ्लो का मतलब क्या है? आपका कैश जा रहा है. जब आपका कैश जा रहा है यू हैव टू डिडक्ट इट. चलिए जी, अगले स्टेप पे आते हैं. राइट नाउ व्हाट टू डू?
पहले मैं वो चीजें लिखूंगी जिसमें कैश आ रहा है, एड। किसमें कैश आता है? डिक्रीज इन करंट एसेट में और इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी। सोच लो, करंट एसेट का कम होना मींस स्टॉक कम हो गया, आपने बेच दिया होगा, अगर आपने बेचा है तो कैश आया, जब कैश आया तो आपने प्लस करना। करंट लाइबिलिटी का बढ़ना मींस आपने मार्केट से कोई लोन लिया है या उधार पे सामान खरीदा है, यू आर यूजिंग द मनी ऑफ योर सप्लायर, सो इन दैट केस इट इज इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी विच इज इनफ्लो ऑफ कैश। ये दोनों इनफ्लोज है, सो दैट्स व्हाई दीज आर टू बी एडेड, ये आपने एड करने। उसके बाद मैं वो दो चीजें लिखूंगी जिसमें कैश जाता है लेस, इन दोनों का रिवर्स। पता नहीं क्वेश्चन में कौन सा होगा, वी विल बी आइडेंटिफाइंग फ्रॉम द क्वेश्चन एंड अकॉर्डिंगली वी विल बी पुटिंग इट इनटू ऐड और लेस। इंक्रीज इन करंट एसेट आई विल बी राइटिंग इट इन ब्रैकेट बिकॉज इट इज माय आउटफ्लो। जब मैंने लेस भी लिख दिया तो फिर चाहे ब्रैकेट नहीं लिखो क्योंकि आपने लेस ही करना है, ठीक है? फिर आपका नहीं तो डबल इफेक्ट हो जाएगा, माइनस का साइन है, इसका भी माइनस का साइन है, आप नहीं उसे प्लस मत कर दो। सो इट डिपेंड्स, बाकी देखेंगे बुक कैसे फॉलो करती है। इंक्रीज इन करंट एसेट इज आउटफ्लो, सिमिलरली डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी इज आउटफ्लो। इन दोनों को एड करो, बीच में से माइनस करो, जो आपके पास आएगा वी विल बी कॉलिंग इट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस बिफोर टैक्स। बुक में देखते हैं उसने इस पॉइंट को क्या बोला है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस बिफोर टैक्स, या कोई और टर्म यूज करी है। लेट्स सी, जहां पे हमारे पास फुल फ्रेश फॉर्मेट है, वी वर डूइंग दिस फॉर्मेट फ्रॉम देयर ओनली फ्रॉम योर बुक। आफ्टर ऑल द एक्टिविटीज ही हैज मेड, यस दिस फॉर्मेट, डन। सो ही कॉल इट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, हम भी उसके टर्मिनोलॉजी ही यूज करेंगे, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। आई एम डूइंग इट फ्रॉम पेज नंबर 5.57, जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, राइट? कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, सो दिस यू विल बी राइटिंग इन फ्रंट ऑफ द ट्रीटमेंट विच यू मेड रिगार्डिंग योर करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज। वो प्लस माइनस करने के बाद जो बचा आप उसे क्या बोलेंगे, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। अब क्या करना है, यू हैव टू डिडक्ट टैक्स, सी द बोर्ड फ्रॉम बॉटम, यू हैव टू डिडक्ट टैक्स, लेस टैक्स पेड। बेटे क्वेश्चन में दो तरह की चीजें होंगी, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन करंट ईयर का भी होगा, प्रीवियस ईयर का भी होगा। जो प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर का था वो आपने ईओआई और प्रॉफिट बिफोर टैक्स में क्या कर दिया था, ऐड कर दिया था। जो प्रीवियस ईयर का होगा आप उसे टैक्स पेड मानेंगे, या टैक्स पेड वो अलग से क्वेश्चन में देगा, जब हम क्वेश्चन करेंगे आई विल बी गिविंग यू देयर डिटेल। यहां पे उसने आपकी बुक में लिखा है नेट ऑफ रिफंड, रिफंड अगर है क्वेश्चन में तो आपने टैक्स पेड में से रिफंड माइनस करके नेट ऑफ रिफंड आपने टैक्स लिखना है यहां पे, राइट? इसके बाद वो ईओआई की ट्रीटमेंट बोलता है, ईओआई आमतौर पर होती नहीं है तो आई यूजुअली स्किप। तो जो भी आपके पास ये प्लस माइनस करके फिगर आएगी, अगर वो सारी फिगर पॉजिटिव है तो आप लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अगर ये सारा कुछ प्लस माइनस करने के बाद अल्टीमेट फिगर आपकी नेगेटिव में आती है तो हम उसे लिखेंगे कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, राइट? जब क्वेश्चन करेंगे यू विल गेट अ डिटेल ऑफ इट। आई एम रिपीटिंग द होल फॉर्मेट वंस अगेन, ये जो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड ईओआई निकालना है ये सारा कुछ वर्किंग नोट्स का पार्ट है। उसके बाद आपने इसमें नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश एक्सपेंसेस ऐड करने हैं। आई एम रिपीटिंग व्हाट आर द नॉन कैश एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर, अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल विच वी कॉल गुडविल रिटर्न ऑफ, देन पेटेंट्स एंड कॉपीराइट्स रिटर्न ऑफ, दीज आर द थ्री एग्जांपल्स ऑफ योर नॉन कैश एक्सपेंस। देन वी हैव टू प्रोसीड टुवर्ड्स नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। What is the meaning of non-operating expenses which are not of regular nature, like interest on debentures paid, then loss on sale of fixed asset or increase in provision for doubtful debt? Ab iska bilkul reverse, non-operating expenses which are not of regular nature, like profit on sale of fixed asset, dividend received. Agar aapne kisi company ke shares khareede hain, uske upar aapko dividend mil raha hai, it is not going to be your regular natured income. रेंट रिसीव्ड, आपने अपनी कोई प्रॉपर्टी रेंट पे दे रखी है उसके ऊपर आपको रेंट मिल रहा है, सिमिलरली डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। जो प्रॉफिट आता है उसे क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। नाउ वर्किंग कैपिटल चेंजेस को मैंने ट्रीट करना है,
करंट एसेट्स का बढ़ना और करंट एसेट्स का कम होना, करंट लाइबिलिटीज का बढ़ना और करंट लाइबिलिटीज का कम होना मैंने लॉजिक वाइज आपको बता दिया। ये सारा कुछ करने के बाद जो आपके पास आएगा उसे बोलेंगे कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। टैक्स अगर क्वेश्चन में पेड दे रखा है तो वो आपने एंड में आके क्या करना है, माइनस करना है। अगर सारा आंसर पॉजिटिव आता है तो उसे बोलेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, अगर नेगेटिव में आंसर आता है तो उसे लिखेंगे कैश यूज इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, सो नाउ डायरेक्टली वी विल बी पिकिंग एन इलस्ट्रेशन, देन वी विल बी सॉल्विंग अ बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन, राइट, फुल फ्लेज क्वेश्चन वी आर गोइंग टू सॉल्व। फर्स्टली पेज नंबर 5.24 पे आइए, 5.24 and we have 22 illustration, 22nd illustration dekhiye, 5.24 page pe 22nd illustration, read it। padho statement khud, see what he has asked from you। ट्वेंटी सेकेंड ऑन पेज नंबर 5.24 हमसे जो पूछा है हम वही हेडिंग बनाएंगे। सी एट द टॉप, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ऊपर लिखिए कैलकुलेशन ऑफ, अभी एक पार्ट पूछ रहा है वर्किंग कैपिटल चेंजेस से पहले वाला प्रॉफिट निकालो, तो मैंने आपको सिखाया है वो कैलकुलेशन ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। सो दिस इज फॉर पर्टिकुलर, दिस इज फॉर अमाउंट। मेरा पहला स्टेप क्या होता है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड ईओआई दैट ही हिमसेल्फ इज गिविंग। इट मींस कि मेरे को वो वर्किंग नोट्स में प्लस और माइनस करने की जरूरत नहीं है, उसने पहले से मेरे को बिगिनिंग पॉइंट खुद ही कैलकुलेट करके दिया। सो आई विल बी पिकिंग दैट पॉइंट, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड ईओआई मींस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, सो दैट ही इज गिविंग 2,23,500। अगला स्टेप क्या है बेटा जी, एड नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, मैं वो हेडिंग बनाऊंगी, एड नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। नॉन कैश में आई एम रिपीटिंग इट अगेन, वी हैव डिप्रिसिएशन, वी हैव गुडविल रिटर्न ऑफ, पेटेंट राइट्स रिटर्न ऑफ, देन नॉन ऑपरेटिंग में लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, then interest on debentures paid, interest on loan paid, etc. let's find out। so we have depreciation, that is my non cash, I will be adding, internal column mein likhiyega, grand total utha ke bahar add karenge, so this we have 42,000। come to next, interest on borrowing bhi aapko bola hua hai, this is your non operating expense and that he is giving 8,400। इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स 8,400। चले आगे, गुडविल अमोर्टाइज, मैंने बोला था अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल या गुडविल रिटर्न ऑफ, वो कोई भी टर्मिनोलॉजी यूज कर सकता है, सो वॉट एवर ही इज यूजिंग आई एम राइटिंग इन द सेम मैनर। गुडविल अमोर्टाइज नॉन कैश है, इधर यू कैन राइट इट विद जेड और विद एस, अमोर्टाइज ही रोट इट विद एस, 9,300। आगे चलो, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी आपको सिखाया हुआ है, दिस इज नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, सो दिस ही इज गिविंग यू 9,000। कम टू नेक्स्ट, यस दिस इज अ न्यू पॉइंट फॉर यू, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। 100 रुपए डिबेंचर होल्डर से बोरो किया और रिडेम्पशन पे बोला तेरे को 110 वापस करेंगे, जो 10 रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हैं उसे बोलते हैं प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। सो दिस इज अ लॉस और दिस इज अ एक्सपेंस,
लेकिन दैट एक्सपेंस वी विल बी कॉलिंग नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस. ये कभी कभार होगा, राइट? सो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स हो या प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स हो, बोथ ऑफ दीस आर टू बी ट्रीटेड लाइक नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस. इसके बारे में पहले नहीं मैंने आपको बताया, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स. सो दैट ही इज गिविंग 3000, 3000 आपने डिबेंचर होल्डर्स को ज्यादा दिया. अगली आइटम्स के बारे में पढ़ लें, वो दोनों ही नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स हैं, तो मैं यहाँ पे ऐड करूंगी. हाँ, दिस इज, चलो जीरोस, दिस इज 7, फोर्थ लाइन 12 और 9 21, 21 और 10 31 और 3, 71,700. इसने कौन सा कम लिया है? ओके, नोट पढ़ो. प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर वैसे तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस ही होना चाहिए, लेकिन इसने कुछ लिखा है, जरा देखना क्या लिखा है नोट में. वही हमारा कितने का फर्क आ रहा है, 3000. हाँ, इसने 68 लिया. अब लेट्स रीड द अजम्पशन ही मेड. प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर इज अ लायबिलिटी पेबल व्हेन डिबेंचर्स आर रिडीम्ड. लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, अभी ये चैप्टर नहीं ना करा हम लोगों ने, डिस्काउंट और प्रीमियम इज ट्रांसफर टू द स्टेटमेंट ऑफ P&L. It should be noted that the loss on issue of debenture is written off in the year debentures are issued from the capital reserve, security premium reserve or statement of P&L in that order. Loss on issue of debenture if written off from statement of P&L is to be added. Therefore, if loss on issue is given in the question, it will be added to net profit before tax and EOI as non-cash or non-operating. And if premium on issue of debentures is given, it will not be added to net profit to calculate. Okay, two terms hai bhai. Loss on issue of debentures include discount or premium payable. Aur agar akela premium de rakha hai to use star banao. और नीचे वाले नोट के बारे में दो लाइनें आपको अभी क्रैम करनी है, क्योंकि अभी मैंने आपको डिबेंचर्स वाला चैप्टर नहीं करवाया, तो इतना डिटेल में हम यहाँ पे नहीं कर सकते. अगर वर्ड लिखा हो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, तो आपने उसे प्रॉफिट में ऐड करना है. अगर अकेला वर्ड लिखा है, बिकॉज लॉस ऑन इशू इंक्लूड्स डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स एंड प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, वाइडर टर्म है. लेकिन अगर अकेला प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स लिखा हो, यू विल नॉट बी एडिंग इट. ये रूल आपको याद रखना, ठीक है? जब डिबेंचर्स का चैप्टर करेंगे सेकेंड बुक का, देन यू विल गेट इट. अभी 3000 बीच में से माइनस कर दिया मैंने, तो हमारे पास बचा 68,000. जो टीएस करेवाल कह रहा है सेम असम्पशन वी विल बी मेकिंग. 68,700 बाहर ऐड करो. 00, दिस इज 12, 11 और एक 12, एक 9. 2,92,200. अब अगला स्टेप क्या होता है, लेस नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स, क्योंकि इनकम्स का भी नॉन कैश नहीं होंगी, इनकम विल ऑलवेज बी कैश. तो यहाँ पे मैं टर्म एक ही यूज करूंगी, लेस नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स. वो पॉइंट याद रखना भाई, इफ ही राइट्स लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर यू विल बी एडिंग अप हियर, इफ ही राइट्स ओनली प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स और ऑफ प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स यू विल नॉट बी एडिंग हियर. प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में भी डाउटफुल है, उसकी ट्रीटमेंट देखेंगे अगर किसी क्वेश्चन में आएगी तो. इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड, हमें इंटरेस्ट और डिविडेंड मिला, दैट इज माई नॉन ऑपरेटिंग इनकम एंड दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन 13,800. कम टू नेक्स्ट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 6,000. प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट दैट इज 6,000. दोनों को ऐड किया 19,800. 00, दिस इज 4, 11, 2, 8, 7. 2,72,400 will be your operating profit before working capital changes. So one step we covered of our operating activity. अब इसके बाद अगले वाला step have he been giving me the current assets and current liabilities में उसकी changes यहाँ पे add or less करती. I'm repeating, current asset का बढ़ना is always to be deducted. करंट एसेट का कम होना इज ऑलवेज टू बी एडेड, मींस मैंने पुराने एसेट बेच दिए तो कैश आया होगा. करंट लायबिलिटीज का बढ़ना इज ऑलवेज टू बी एडेड, करंट लायबिलिटीज का कम होना इज ऑलवेज टू बी डिडक्टेड, राइट?
पेज नंबर 5.26 पे जो मैंने अभी बोला है ना, चारों चीजें वो लिखी हुई है लास्ट में. इंक्रीज इन करंट एसेट्स लीड्स टू डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट. डिक्रीज इन करंट एसेट्स लीड्स टू इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट. इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी लीड्स टू इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट. डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज लीड्स टू डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट. अब फुल फ्रेश क्वेश्चन करते हैं. वी हैव 23rd इलस्ट्रेशन ऑन पेज नंबर 5.27. सो सी 23rd इलस्ट्रेशन एवरीवन. रीड इट, ट्राई टू गेट द इंफॉर्मेशन. हमें क्या क्या चाहिए क्वेश्चन में और उसने क्या क्या दे रखा है हमें. लेट्स सी. This is 23rd. Cash flow from operating activities. उसने पूछा क्या है? Cash flow from operating activities ही पूछा है उसने मेरे से. देखो टॉप पे. Cash flow from, वही हेडिंग बनाएंगे क्योंकि अभी एक पार्ट है क्वेश्चन का. अगर फुल फ्लेज क्वेश्चन होगा तो टॉप हेडिंग मेरा कैश फ्लो स्टेटमेंट हुआ करेगा. अभी ये फुल फ्लेज क्वेश्चन नहीं है. He is just asking a part of the question. So I will be making the heading cash flow from operating activities. We will always start the question with net profit before tax and EOI. I have in the question surplus. और बीच में कोई भी proposed dividend नहीं है, कुछ भी नहीं है उन चार items में से, तो सीधा मेरा यही बन जाएगा net profit before tax and EOI. That is a difference of 3 lakh and 2 lakh. Make it sure and be careful enough. पहला कॉलम करंट का है कि पहला प्रीवियस का है? यूजली वो पहला कॉलम करंट का देता है, बट समटाइम्स ही में इंटरचेंज द कॉलम्स. सो आपने सबसे पहले डेट पढ़नी है कि पहला कॉलम करंट ईयर का है अमाउंट्स का, कि पहला कॉलम प्रीवियस का है. अगर पहला कॉलम करंट का है तो उस कॉलम में से प्रीवियस माइनस करना है. अगर पहला प्रीवियस का है तो करंट में से प्रीवियस माइनस करना है. फिर सेकंड कॉलम में से फर्स्ट माइनस करना है. यहाँ पे फर्स्ट में से सेकंड मैंने माइनस किया. आई गॉट द अमाउंट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड ईओआई. नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड ईओआई. सो हाउ आई कैलकुलेटेड इट, आई नीड टू टेल टू माई एग्जामिनर 3 lakh minus 2 lakh. So it comes to me 1. Done? Ram. Ab hamara agla step kya hai students? Add non-cash and non-operating expenses. Every time I will be writing that heading. Then I will be searching for the items in the question. Right? Second step mein, add non-cash and non-operating expenses. Let's search for it. क्या कहीं पे डेप्रिसिएशन है? है. एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन मींस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन. आपको प्लस वन में करवाया होता है डेप्रिसिएशन के चैप्टर में. इट्स अनदर नेम ऑफ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन. स्टार्टिंग में मींस प्रीवियस में 3 lakh था और एंड में इसका बैलेंस 320 हो गया. इट मींस कि डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर 20,000. दोनों का डिफरेंस. अभी तक हम लोगों ने जो क्वेश्चन किया है उसमें डेप्रिसिएशन वो खुद दे रहा था. अब मेरे को उसने प्रीवियस ईयर और करंट ईयर का बैलेंस दे दिया है, तो दोनों का डिफरेंस विल बी माय डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर. एंड दैट कम्स टू मी 320 माइनस 3 लाख व्हिच इज इक्वल टू 20,000 डेप्रिसिएशन चार्ज्ड. इंटरनल कॉलम में ही लिखो. उसके बाद कहीं गुडविल अमोर्टाइज तो नहीं है, कहीं पेटेंट राइट्स अमोर्टाइज तो नहीं है. लेट्स सी. आउटस्टैंडिंग रेंट तो करंट लाइबिलिटी है, बाद में ट्रीट करेंगे. प्रीपेड इंश्योरेंस मेरा करंट एसेट है, बाद में ट्रीट करेंगे. गुडविल देखिए, गुडविल बिगिनिंग में कितनी है? 2 lakh. एंड में कितनी हो गई? 160. इट मींस कि गुडविल रिटर्न ऑफ है या अमोर्टाइज्ड गुडविल है. ठीक है, कोई भी वर्डिंग लिख दीजिए. गुडविल रिटर्न ऑफ इज एन इजी वर्डिंग फॉर मी, सो आई राइट लाइक दिस वे. गुडविल रिटर्न ऑफ कितनी राइट ऑफ करी? 2 lakh से कम होकर गुडविल कितने की हो गई? 160 की. सो वी रोट इट ऑफ टू द एक्सटेंट ऑफ 40,000. Done. Goodwill written off is 40,000. Inventory is my current asset. I will be treating later. Dono ko add kiya 60,000. Hamare paas jo aaya wo 1,60,000 hai. Students, वैसे अगला step है less non-operating incomes.
पर मैंने सारा क्वेश्चन रीड कर लिया, नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स है ही नहीं, नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स आर नॉट गिवन इन द क्वेश्चन. सो आई अराइव्ड एट माय पॉइंट व्हिच आई विल बी कॉलिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस. ऑपरेटिंग, मैं 160 को क्या बोलूंगी, लेट मी चेक फ्रॉम योर बुक. यस, यही है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस. हमने इसे ये नाम दे दिया, डन. अब अगला स्टेप हमारा क्या होता है, लेट मी टेल यू. एड, एड क्या क्या करना है, डिक्रीज इन करंट एसेट एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी. लेस क्या क्या करना है, इनका रिवर्स, इंक्रीज इन करंट एसेट एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी. चलो जी, हमारे पास तीन चार करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज हैं क्वेश्चन में. चलो देखते हैं कौन सा किसमें फिट बैठेगा. नीचे से बोर्ड देखो, आई रोट इंक्रीज इन करंट एसेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी. चलो जी, आउटस्टैंडिंग रेंट बिगनिंग में 40,000 था, एंड में 16,000 रह गया. आपको नहीं लगता 24,000 की आपने पेमेंट कर दी होगी तभी आउटस्टैंडिंग रेंट कम हो गया. इट मींस कि आपको नहीं लगता वो डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी है. ये सिर्फ मैंने आपकी रेफरेंस के लिए लिखा है, अदरवाइज मैंने लिखना क्या है, यहाँ पे नाम लिखना है लायबिलिटी का, डिक्रीज इन आउटस्टैंडिंग रेंट. आउटस्टैंडिंग रेंट कितने की पेमेंट करी, 24,000 की, 40 से कम होके 16 हो गया, 24,000. दिस आई विल बी डिडक्टिंग, ये मैं माइनस करूंगी ब्रैकेट में. ठीक है जी, देखो ये भी ब्रैकेट में लिखता है, नहीं ये माइनस का साइन लिखता है, कभी आगे जाके क्वेश्चन करेगा तो ही विल राइट इन द ब्रैकेट आल्सो. हाँ, आउटस्टैंडिंग रेंट के बाद प्रीपेड इंश्योरेंस इज माय करंट एसेट. करंट एसेट का बढ़ना आउटफ्लो है, यहां पे आएगा इंक्रीज इन प्रीपेड इंश्योरेंस. कितना है भाई, नहीं मैंने गलत पढ़ा, शायद कम हुआ है, 14 से 12 हुआ है. डिक्रीज है, डिक्रीज इन प्रीपेड इंश्योरेंस, बिकॉज फर्स्ट कॉलम इज ऑफ करंट एंड सेकंड कॉलम इज ऑफ प्रीवियस, 2000 ऐड होना. करंट एसेट का कम होना हमेशा हमारी क्या है, प्रीपेड इंश्योरेंस का कम होना मींस आपने हमेशा इसे रिलेट किससे करना है, स्टॉक से. अगर स्टॉक होता तो स्टॉक का कम होना हमारा क्या होता, इनफ्लो ऑफ कैश होता. सिमिलरली डिक्रीज इन प्रीपेड इंश्योरेंस इज आर इनफ्लो ऑफ कैश. अगर प्रीपेड इंश्योरेंस बढ़ता है मींस मैंने एडवांस में और पेमेंट करी है, अगर वो कम होता है तो हमारा वो क्या है, इनफ्लो है. प्रीपेड इंश्योरेंस इनफ्लो है 2000. आगे चलो, इन्वेंट्री, स्टार्टिंग में इन्वेंट्री 140 की है, एंड में 180 की है, मींस इंक्रीज इन इन्वेंट्री है, मींस इंक्रीज इन करंट एसेट है. स्टार्टिंग में 140, एंड में 180, 40,000 इंक्रीज इन इन्वेंट्री हमारा आउटफ्लो है 40,000 इन ब्रैकेट. डन. आउटस्टैंडिंग रेंट भी हमने गलत कंसिडर किया क्या, आउटस्टैंडिंग रेंट बड़ा था, मैंने गलत फिर से कॉलम देख लिया थी. आउटस्टैंडिंग रेंट बिगनिंग में कितना है 16, एंड में कितना है 40, बड़ा है. करंट लायबिलिटी का बढ़ना इनफ्लो है, इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग रेंट दैट इज 24,000. सो ये दो चीजें मेरे को ऐड करनी है, दैट इज 26,000. यहां तक बना आपका 186. 40,000 बीच में से क्या करना है, माइनस करना है, आपका आंसर आएगा 1,46,000. एंड दिस विल बी योर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. BR भी है, वेयर इज BR? BR वाज द सेकंड टर्म, BR भी आपका बड़ा है. करंट एसेट का बढ़ना इज योर आउटफ्लो, तो 40,000 और कम कर देना, योर आंसर विल बी 1,06,000 विच इज मैचिंग फ्रॉम द बुक, विद द बुक. ठीक है, सो टैक्स वगैरह क्वेश्चन में था नहीं, सारा कुछ कर करा के आंसर पॉजिटिव में आया. जब आंसर पॉजिटिव में आता है वी कॉल इट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. अगर आंसर नेगेटिव में आए तो हम बोलते हैं कैश यूज इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. ठीक है, हाँ, टुडे वी डोंट हैव द रिपीटेड पीरियड, थर्ड पीरियड मैम विल टेक एंड शी विल कंटिन्यू विद योर बिजनेस स्टडीज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, राइट.